एचपी जीके में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के मंदिर शैली के बारे में। क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं कि कौन से मंदिर की वास्तुकला क्या है या किस शैली से वो बना हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं उनकी वास्तुकला उनकी छत के आधार पर डिसाइड की गई है कि जैसा उनका छत होगा वैसी ही शैली का उनको नाम दे दिया गया है। तो पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि अगर अपर हिमाचल है तो वहाँ पर किस तरह के जो मैक्सिमम मंदिर आपको किस शैली के मिलेंगे, अगर आप मध्य हिमाचल या मध्य हिमालय की बात करें तो वहाँ पर आपको किस शैली के मंदिर मिलेंगे, और अगर हम शिवालिक पहाड़ियों की बात करें जो हमारा बिल्कुल सबसे निचला क्षेत्र आ जाता है हिमाचल प्रदेश का, तो वहाँ पर किस शैली के आपको मंदिर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में अगर मैं बात करूँ, उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज उच्च पहाड़ी क्षेत्र, एक आ जाता है हमारा मध्य पहाड़ी क्षेत्र, और तीसरा आ जाता है हमारा निम्न पहाड़ी क्षेत्र या जिसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, निम्न या शिवालिक। तो अगर उच्च पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो उच्च पहाड़ी क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं समतल छत। जो वास्तुकला रहती है मंदिरों की वो कैसी रहती है, समतल छत होते हैं। अगर हम बात करें मध्य और पहाड़ी क्षेत्र की तो मध्य और पहाड़ी क्षेत्र में हमारे पास आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके बंद छत और पैगोडा शैली के। और निमन और जो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र हमारा रहता है वहां पर हमें मिलते हैं गुंबदाकार, गुंबदाकार आपको मिलते हैं, समतल छत भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, और एक और है वो है शिखर शैली। ये तो हमने एक जनरल आइडिया ले लिया कि किस पहाड़ी क्षेत्र में आपको मैक्सिमम किस टाइप की जो मंदिरों की छत है वो देखने को मिलेगी। अब एक डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पैगोडा शैली क्या है, उसमें जो मंदिर हैं वो कौन कौन से आते हैं, स्तूपाकार शैली कौन सी है, आपकी जो बंद छत शैली है वो क्या होती है। तो आइए एक एक यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बंद छत शैली, तो इसकी की पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी शैली है, तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी मंदिर शैली कौन सी है। तो सबसे पुरानी मंदिर शैली कौन सी है, वो है बंद छत शैली। इस शैली में होता क्या है, जो मंदिरों की छत है वो ऊपर से बंद होती है, इसके नाम से ही क्लियर है, बंद छत मतलब ऐसे मंदिर जिनकी छत ऊपर से बंद रहती है, ऐसी शैली को हम बोलते हैं बंद छत शैली। ऐसे जो शैली हैं इनके जो मंदिर बने होते हैं इनके निर्माण में पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। तो इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं बिजली महादेव मंदिर जो कहाँ पर है, कुल्लू में, श्रीगुल महादेव मंदिर, श्रीगुल मंदिर ये कहाँ पर है, ये है आपका सिरमौर में, लक्ष्मणा देवी मंदिर चंबा, शक्ति देवी मंदिर ये भी आपका चंबा में है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं हमारे पास उनके हमने यहाँ पर नाम लिखे हैं, सारे मंदिरों के नाम तो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं। तो इसकी फोटो जो इस टाइप की जो शैली होती है उसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरह की जो है वो बंद छत शैली के मंदिर होते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दूसरे टाइप की जो शैली है वो है पैगोडा शैली। पैगोडा शैली से बने मंदिर आपको मैक्सिमम कहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको नेपाल में। तो हिमाचल प्रदेश में भी जो पैगोडा शैली है वो नेपाल से प्रभावित है। पहला की पॉइंट तो यही है कि जो पैगोडा शैली है वो नेपाल से प्रभावित है। दूसरा है कि जो इस शैली से बने मंदिर होते हैं उनमें क्या होता है, एक जो इनका जो मंदिरों में वर्गाकार और आयताकार टाइप का एक भवन होता है, उस भवन के ऊपर 4 या 5 छत एक दूसरे के साथ सटे होते हैं। तो ये इस टाइप की शैली की पहचान है कि वर्गाकार या आयताकार आपका भवन होगा, उस भवन के ऊपर 3, 4, 5
इस टाइप के आपके जो छत हैं वो एक दूसरे के ऊपर सटे होंगे। तो इसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो 3-4-5 जो छत होते हैं वो आयताकार भवन या वर्गाकार भवन के ऊपर एक दूसरे के साथ सटे होते हैं। तो इस टाइप की जो शैली हैं उनके एग्जाम्पल हैं, आपको पता भी होगा मैक्सिमम जो पूछा जाता है कि जो मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर है वो कौन सी शैली से निर्मित है। तो पहला एग्जाम्पल तो यही है, हिडिंबा देवी मंदिर कौन सी शैली से निर्मित है, पैगोडा शैली से। दूसरा है आपका पराशर मंदिर, कहाँ पर है, मंडी में, ये भी पैगोडा शैली से। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, त्रियुगी नारायण मंदिर, आदि ब्रह्मा मनु मंदिर, ये सब कौन सी शैली से बने हैं, पैगोडा शैली से बने हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तीसरे टाइप की जो शैली है वो है गुंबदाकार शैली, जिसे हम इंग्लिश में डोम स्टाइल भी बोलते हैं। गुंबदाकार शैली यानी डोम स्टाइल में क्या होता है, जो मंदिरों की छत होती है वो शिखर के साथ साथ गोलाकार गुंबद की बनी होती है। एग्जाम्पल आप फोटो देख सकते हैं कि किस तरह की जो है गुंबदाकार शैली के जो मंदिर हैं उनकी छत किस तरह की होती है, तो कैसी होती है, ये शिखर के साथ गोलाकार एक गुंबद सा बना होता है। एग्जाम्पल आपने ज्वालामुखी मंदिर देखा होगा, ऊपर से कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, जिसे हमने बोला है कि गोलाकार गुंबद, जो अभी आपने फोटो में भी देखा, तो ये गोलाकार गुंबद का बना होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है ज्वालामुखी मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर, नैना देवी, चिंतपूर्णी, जितने भी आपके लोअर हिमाचल यानी शिवालिक क्षेत्र में मंदिर पड़ते हैं उनकी मैक्सिमम की जो छत है आपको वो गुंबदाकार शैली की देखने को मिलेगी, जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चौथा जो टाइप है हमारे पास वो है स्तूपाकार शैली, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पिरामिडल स्टाइल, यानी इनकी जो छत होगी वो कुछ इस तरह से होती है, पिरामिड टाइप बनता है, कुछ इस तरह से आपको ये देखने को मिलेंगी। आप फोटो भी देख सकते हैं, आपको उसमें बिल्कुल क्लियर देखने को ये मिलेगा। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्तूपाकार शैली का वो है हाटकोटी मंदिर। इनकी जो स्तूपाकार शैली के मंदिर हैं आपको मैक्सिमम जुब्बल जो शिमला में पड़ता है वहाँ पर, उस एरिया में आपको मैक्सिमम ये देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल हैं हाटकोटी मंदिर, राजेश्वरी मंदिर और महासू मंदिर। तो फोटो आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पांचवें टाइप की शैली है हमारे पास समतल छत शैली। तो इस शैली में क्या होता है, जो मंदिरों की छत होती है वो बिल्कुल समतल होती है, जैसे हमारे घरों पे लेंटर होते हैं, तो इनकी छत बिल्कुल समतल, और दीवारों पर जो आपको क्या देखने को मिलेगा वो पौराणिक कथाओं के चित्रण देखने को आपको मिलता है इस टाइप की शैली में। तो इसके एग्जाम्पल हैं स्पीति का ताबो मठ, वो बिल्कुल समतल छत शैली से बना हुआ है। सुजानपुर टेहरा का नर्मदेश मंदिर, जो आपके सामने फोटो में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिक्स टाइप की जो हमारे पास शैली है वो है शिखर शैली। शिखर शैली में क्या होता है, छत का जो ऊपरी हिस्सा है वो पर्वत की चोटी की तरह होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है, चंबा में, मसरूर रॉक कट टेम्पल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शिखर शैली का, जो कहाँ पर है, कांगड़ा में, वैद्यनाथ मंदिर बैजनाथ कांगड़ा में, और विश्वेश्वर महादेव मंदिर जो कहाँ पर है, बजौरा कुल्लू में। अब लास्ट टाइप की शैली हमारे पास रहती है वो है सतलुज शैली। आइए देखते हैं सतलुज शैली में क्या होता है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लास्ट टाइप की जो शैली है वो है सतलुज घाटी शैली। इस शैली में क्या है कि ये बंद छत और पैगोडा का मिश्रण होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलुज घाटी शैली को ये नाम किसने दिया था, तो ये दिया था चैटवुड ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सराहन का जो भीमाकाली मंदिर है वो सतलुज घाटी शैली से बना हुआ है। एक पूरा चार्ट आपके सामने है जिसमें जितने भी अभी तक इम्पॉर्टेंट मंदिरों से रिलेटेड शैली या उनके निर्माण के बारे में पूछा गया है वो आपके सामने है। तो इसमें सबसे पहले है कि 84 मंदिर कौन सी शैली से बना है, किसके द्वारा निर्मित है, कब निर्मित किया गया था, कहाँ पर है, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो 84 मंदिर स्थान कहाँ पर है, भरमौर में, कौन सी शैली से बना है, तो शिखर शैली से, किसके द्वारा ये जो 84 मंदिर है उनका निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था साहिल वर्मन के द्वारा 920 ईस्वी में। दूसरा है लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में है, शिखर शैली से निर्मित है, साहिल वर्मन ने निर्माण किया था 920 से 940 ईस्वी के बीच में। तीसरा है ब्रजेश्वर महादेव कुल्लू में है, कौन सी शैली से है, पिरामिड, किसके द्वारा निर्माण किया गया था, पांडवों द्वारा। लक्ष्मणा देवी मंदिर ये कहाँ पर है आपका, भरमौर में, शिखर शैली से निर्मित है, मेरु वर्मन द्वारा इसका निर्माण किया गया था 680
ईस्वी में। लक्ष्मणा देवी मंदिर में ध्यान रखिएगा कि ये माँ दुर्गा को यहाँ पर महिषासुरमर्दिनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है इस मंदिर में। अगला है हिडिंबा देवी मंदिर, मनाली में है, पैगोडा शैली से निर्मित है। निर्माण किसने किया था? बहादुर सिंह ने। पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज़ें कि कौन सी शैली से निर्मित है और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो पैगोडा शैली और बहादुर सिंह के द्वारा 1553 ईस्वी में। 1553 बिजली महादेव कुल्लू, बंद छत शैली, निर्माण अननोन, आगे तिथि का पता नहीं कब इसका निर्माण हुआ था। भूतनाथ मंदिर मंडी में है, शिखर शैली से निर्मित है, अजबर सेन द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है ब्रजेश्वरी मंदिर, ये आपका नगरकोट कांगड़ा में है, गुंबदाकार शैली से बना है, पांडवों द्वारा इसका निर्माण किया गया था और ध्यान रखिएगा एक दिन में इसका इस मंदिर का निर्माण कर दिया गया था। नेक्स्ट है बालासुंदरी मंदिर, ये अक्सर पूछा जाता है कहाँ पर है बालासुंदरी मंदिर, तो ध्यान रखिएगा त्रिलोकपुर नाहन में बालासुंदरी मंदिर है। कौन सी शैली से निर्मित है? शिखर शैली से, दीप प्रकाश द्वारा निर्माण किया गया था 1573 ईस्वी में। तो ये शैली से रिलेटेड हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।